तो अब हम आ गए छत पे। छत पे सबन ने खाना बना के, रोटी जी ने भी खा ली और मेरे हस्बैंड देखो ये खा रहे हैं, इनको डाल दिया मैंने। फिर हम जाएंगे खेत पे और मैं अभी खाऊंगी, तो फिर सभी मिलके खेत पे जाएंगे आज हमारे। और आपको दिखाएंगे कि आज का हमारा काम रहेगा फांसा काटना और बाकी घर के काम करना। तो चलो अब मैं भी खाना खा लेती हूँ और आप भी खाने खाने के लिए आ जाइए, ठीक है? ब्लॉग के साथ बने रहना आप लोग। तो अभी बजे हैं करीब 10:15 और अब हम जा रहे हैं खेत में फांसा काटने। धूप होगी जब तो और जा रहे हैं, तो काम का तरीका से होगा। और पानी की धरली मटकी आने, जो गढ़ा रख लिया पानी पीने के लिए, प्यास ज्यादा लगी, काम कुछ करे ना, और बस कभी पानी और कभी काई यही चीज में लगी रहे बस। और इससे पहले जी जी पहुंच गए खेत में, लेकिन ये है जो अभी बर्तन अर्तन मांगने लग गई भैया। तो दोस्तों भी बने रहना आगे ब्लॉग में, हम जा रहे हैं खेत में, वहाँ फसा काटेंगे। बर्तन मांजने लग गई, बाकी काम दूध दूध अंदर रखने लग गई जो सुबह गर्म किया था वो, तो मैं पूरा काम करके वापस जजा रहा हूँ। लेके तो आए, देखते हैं काटते हैं नहीं काटते। क्यों मैंने कोई करो ना, खेत का काम है जो तुम को चैलेंज करो। देखो दोस्तों गेहूं गेहूं में तभी टाइम लगेगा। तो ये सरसों के खेत में फांसे काटने आज, देखते हैं पूरे कट पाते हैं नहीं कट पाते। जी जी मैं सासु भवन में कंपटीशन चल रही। तो दोस्तों मैंने मेरी ऐठी लगा दी, देखो मेरे हस्बैंड पीछे पड़े हैं। और देखना देख कैसे जी जी को पीछा को लगा रखे है नया जुगाड़ काटने का। दो फांसा काटने के लिए मैंने लगा दी, देखो। और देख अभी वो आली तो इसी में लग रहे हैं, और आज तो मेरे देवर को भी करना पड़ रहा है। देखो ऊपर से काट रहा है, बहुत ही ऊपर से, क्योंकि वो ज्यादा लंबे आदमी रहते हैं तो झुकने में बड़ी दिक्कत होती है ना। ये हमारी पूरी फैमिली ऐसे मिलजुल काम करती है। देखो आपने पहले के ब्लॉगों में भी देखा होगा ऐसे ही करते हैं हमारे। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं दूसरा हथियार चेंज कर लिया, देखते हैं का ही निकाल गया। हथियार चेंज करके अब तो बड़ी फुर्ती से काट रहे हैं। और जी जी को देखो यहाँ पे लगा दिया, पर देखो मेरे देवर कितनी फुर्ती कर रहे हैं। एक की दिशा इधर को जा रही है, एक किधर को जा रही है, एक किधर को, ये चारों तरफ फैले हुए हैं पूरी दिशाओं में। सबन ने अपनी अपनी वो पूरी कर दी, इधर के साइड के रही है, इधर के ये पूरे काट दिए। आपको ये खुला खुला दिखाई दे रहा है ना, मेरे देवर से वो देवर है ना उससे थोड़े से आगे से काटने स्टार्ट किया था, वहाँ से अब यहाँ तक ले आए हैं हम लोग। और सभी मिलके काट रहे हैं, मैं जी उधर से ला रही है, हस्बैंड वो नीम के नीचे तक के कड़े हैं वो तक गए, और इधर को छोटी वाली काट रही है। और अपनी हाटियाँ भी ले जा रही हैं, ये वाले लेके आई हूँ इधर से काट के। और देवर वो पानी लेने के लिए गया नीम के पेड़ के नीचे, गड़िया लेके आए थे पानी का, तो वो लेके गए हैं। सिर पर रखना, वो लेके आ रहे हैं पानी। मार्जी जी देसी तरीके से दिखा जो, ये हम दिखा दिखा नहीं, ये देवर के छाले हो गए जो दिखा रहे हम। हमारे का ना काम तो करता रहे थर गए बार। तो पानी ले चल तो रहे कभी कितो कभी कितो। और ये देखो मैं जी जी का हाथ में, हमारी भाषा में इसे रामफड़ा बोलते हैं, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? पानी पी रहे हो भैया, ओके ना? देखो वे दोनों घर का सिर सुबेड़ी कर रहे हैं। तो भैया जमींदारों काम हो रहे, पिसाई लगे
पानी पी लियो, अब थोड़ी देर आराम कर लिया, फिर बाकी के फांसा काटना है और फिर आगे कोई काम करेगा। और मेरे तो जुकाम लगर 5 मिनट लग ली सही भी होगी, घना दिन होगा तो धूप में काम करता है, थोड़ी माटी धूल सी उड़ी आगे जैसे जुकाम से लग गई। तो दीदी तो भेज रही घर के जा, बस कर लिया तुमने जमींदार हो। मर्जी जी बहुत मेहनती है भाई। हमारी जी काम करती ना थके बिल्कुल भी। आ जाओ, अब सबन ने कर दिया पानी पी के स्टार्ट। और ये जन ये बायना ढूंढ रही थी गुम्बा का, और सभी काटने लगे हैं। ये दोनों घर का अलग काट रहे हैं, रोटी बनाएंगे। देखो सभी अपने अपने काम में लग गए हैं, तो चलो भाई अब अभी काटते हैं, नहीं अपन रह जाएंगे। ये तो ऐसे ही मसने की बात है। तो मेरी दांतली उधर को, ये उधर से ला रही हूँ मैं। तो अपन करते हैं अभी स्टार्ट, हस्बैंड काट रहे हैं मादम दोनों। देखो कितनी फुर्ती कर रहे हैं। जल्दी काटो जल्दी, वैसे वीडियो में लगी रहे। मार जी इस खेत के काट दिया हमने, अब बाकी क्या कुछ काम है उसको शाम की काटेंगे वो खेत को। तो सभी जा रहे हैं अब, मैं जीजी और वे दोनों भाई तो भी जाके बैठ गए हैं वहाँ पे छाया में, और हम भी जा रहे हैं बस जी। चल ये खेत तो देखो वहाँ से काटा था जब इधर को, क्या ये छोटे साइज के हैं तो इनको तो काम में नहीं लेंगे, गर्मियों में इकट्ठा कर सकते हैं। और इधर को भी देखो सभी अपने अपने खेतों में लगे हुए हैं, कोई सिर से इकट्ठा कर रहा है, ये लोग भी फांसा इकट्ठे कर रहे हैं, और उधर को सिर से इकट्ठी कर रहे हैं वो, ये जेठानी का है, जेठानी का लड़का, और उधर को दूसरा लड़का है, जेठ जी लगते हैं। अब चलते हैं, हो गया खेत का फांसा कटने काम, तो गया फ्री, अब चलते हैं घर। तो फाइनली दोस्तों ये हमारा काम का ब्लॉग हुआ पूरा, और अब हम इस खेत में से फांसा काट के जा रहे हैं वापस घर। तो दोपहर के लगभग 12 बज गए हैं, और आज का हमारा ब्लॉग बस इतना ही है, बाकी फिर हम नया ब्लॉग बनाएंगे तो उसमें मिलेंगे। और ये हमारा सुबह से दोपहर तक का हमारा काम था, हम आने के बाद में क्या क्या काम करते हैं तो वो ये है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा, और आपको यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और यदि हमारे यूट्यूब चैनल निकिता मीना ब्लॉग्स पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि क्या करना बेल आइकन की घंटी जरूर दबाना, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिले, सबसे पहले हमारे वीडियो आपको देखने का मौका मिले। तो ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट दिन नेक्स्ट ब्लॉग में, और बहुत ही शानदार ब्लॉग आएगा। तो बाय बाय आगे।